लक्सर में ड्रोन कैमरे से कैसे पकड़ी गई बीच गहरे पानी में चल रही शराब बनाने वाली फैक्ट्री। पौड़ी में क्यों जान बचाने के लिए चट्टान पर चढ़े पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। क्यों बांदा में चिकित्सा अधिकारी का वीडियो हो रहा है वायरल। जानेंगे इन तमाम खबरों के बारे में, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली और अहम खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मैं हूँ आपके साथ जूही सिंह। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सुल्तानपुर के असरोगा टोल प्लाजा पहुंचे। डिप्टी सीएम के स्वागत के लिए लंबुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक सीताराम वर्मा, कादीपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश गौतम, सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक रामचंद्र मिश्रा, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर आर के वर्मा सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुके भेंट कर डिप्टी सीएम का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद डिप्टी सीएम का काफिला भाजपा कार्यालय के लिए रवाना हो गया। बांदा में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का पैसे लेते वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल प्रभारी चिकित्सा अधिकारी आशा बहु भर्ती के नाम पर 10-10 हज़ार रुपए की घूस ले रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। वीडियो में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पैसे लेते स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तिनवारी का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में जिलाधिकारी नेहा प्रकाश की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के सफल संचालन के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में 15 से 30 सितंबर तक आयुष्मान पखवाड़ा कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें ऐसे सभी पात्र परिवारों को लक्षित किया जाएगा जिनमें अब तक किसी भी सदस्य के पास आयुष्मान कार्ड उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा पंजीकृत श्रमिकों का भी गोल्डन कार्ड बनाया जाएगा। इस योजना के तहत 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। 30 सितंबर तक आयुष्मान पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आयुष्मान कार्ड, जिसको गोल्डन कार्ड भी कहते हैं, वो बनाया जा सके। इसमें पात्र लोग पहले से ही चिन्हित है और हमें उनका कार्ड बनाना है। इस बात पर विशेष जोर देना है कि ये बिल्कुल निःशुल्क प्रक्रिया है। इसमें आवेदनकर्ता को कोई शुल्क नहीं देना है। वो हमारे जनसेवा केंद्र पर जा सकते हैं, पंचायत सहायक, आशा बहु और CHOs, इनके माध्यम से वो अपना कार्ड बना सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि ऐसे परिवार जिनमें एक भी सदस्य का कार्ड नहीं बना है और ऐसे परिवार जिनमें अंत्योदय कार्ड है और ऐसे लोग श्रमिक हमारे जो BOCW में रजिस्टर्ड हैं, इनका कार्ड हम प्राथमिकता से बनाएं। यूपी के फतेहपुर में पुलिस ने हत्या, डकैती और चोरी की कई घटनाओं का खुलासा करते हुए 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लाखों के जेवर और नकदी रिवॉल्वर बरामद हुए हैं। खुलासा करते हुए पुलिस ने 4ों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। पकड़े गए लोगों में से एक महिला भी है, जो अपने पति के साथ मिलकर चोरी का माल बेचने का काम किया करती थी। फतेहपुर में 2 घटनाएं बड़ी ही सनसनीखेज हुई थी, जिसमें राधानगर में जाने के दिनों में घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी। बदमाश जब चोरी कर रहे थे, जगने पर उन्होंने ईंट से मार दिया था और सामान वहां से लेकर के गए थे। इसी तरह की वारदात यहां राधानगर क्षेत्र में ही सथरियाव गांव के पास बम्बे के इधर में हुआ, जहाँ पे 3 लोगों को घायल किया और वो काफ़ी इलाज के बाद 3 लोग बच गए और उसमें लूटपाट हुई थी और बच्ची को साथ ले गए थे, उस दुष्कर्म हुआ था। पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और इस चैलेंज को जनपद पुलिस ने स्वीकार किया। बढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी के पीलीभीत में तेज रफ्तार मिनी बस पेड़ से टकराकर खाई में जा गिरी। बस में सवार एक मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई, वहीं एक दर्जन मजदूर घायल हो गए। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने सभी घायल मजदूरों का रेस्क्यू कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज जारी है।
घटना थाना गजरौला क्षेत्र के NH 730 मुनिया मुड़ैला गांव के पास का बताया जा रहा है। हमारे पास 7 मरीज आए थे जिनको भर्ती किया गया है यहाँ पे, जैसे एक ब्रॉन्डेड भी आया है उसकी बॉडी पॉटी में रखवा दी, मतलब तभी स्थिर है, सबके पट्टी वगैरह करा के सारा फ्रेंडली ट्रीटमेंट देके सबको एडमिट कर लिया गया, सबकी हालत स्थिर है। लक्सर पुलिस टीम ने उच्च अधिकारियों के निर्देशन और लक्सर CO हेमंत सिंह नेगी के नेतृत्व में पुलिस ने पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए रिहायशी इलाके में ड्रोन कैमरा की मदद से निगरानी करते हुए स्थानों को चिन्हित किया, साथ ही गहरे पानी के बीचों बीच जाकर अवैध कच्ची शराब के खिलाफ छापेमारी की, जहाँ पुलिस टीम ने एक अवैध शराब बनाने वाली मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को मौके से भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब और हजारों लीटर लाहन सहित अवैध कच्ची शराब बनाने के उपकरण भी मिले हैं। अगली खबर लक्सर से है। लक्सर में एक दुकान में खरीदो एक मुफ्त पाओ का ऑफर दिया जा रहा था, लेकिन यह केवल ग्राहकों को दुकान तक बुलाने और लुभाने का ऑफर था। वास्तव में लोगों से दोनों वस्तु की पूरी कीमत ली जा रही थी। जब यह मामला धीरे धीरे लोगों के बीच फैलने लगा तो लक्सर व्यापार मंडल के लोगों ने मामले की सत्यता जानने के लिए एक दुकानदार को ग्राहक बनाकर स्मार्ट पॉइंट भेज दिया, जहां उसने सामान खरीदा। जब उसने ऑफर की मांग की तो दुकान वाले ने मना कर दिया और दोनों सामान के पैसे भी लिए, जिसके बाद गुस्साए व्यापार मंडल ने लक्सर उपजिलाधिकारी को दुकानदार के खिलाफ लोगों के साथ धोखाधड़ी करने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। अगली खबर पौड़ी से है। बुधवार शाम को कोटद्वार दुगड्डा के बीच पौड़ी से कोटद्वार की ओर आ रहे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफिले समेत लोगों को हाथी ने रोक दिया। हाथी के नजदीक आने पर पूर्व CM समेत सभी लोगों को अपना वाहन छोड़कर पहाड़ पर चढ़ना पड़ गया। उन्होंने चट्टान पर चढ़कर जान बचाई। करीब आधा घंटे की मशक्कत के बाद वन कर्मियों ने हवाई फायरिंग कर किसी भी तरह हाथी को रास्ते से खदेड़ा। अगली खबर सितारगंज से है। सितारगंज में लगभग 2 महीने पहले फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट से हुई करीब 2 लाख की लूट के मामले में पुलिस ने वारदात में शामिल महिला समेत 2 को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से लूट के रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि 13 जुलाई को फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट से बदमाशों ने तमंचा दिखाकर लगभग 2 लाख रुपए लूट लिए थे। इस मामले में कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने वारदात में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। उनके पास से 8100 रुपये, तमंचा और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए थे। जिसमें मास्टरमाइंड जो थी गुरनाम कौर थी, जो कलेक्शन एजेंट थी जो पैसे इकट्ठा करती थी, उसने उसके पति ने दोनों ने मिलकर साजिश रची और उसका उसको मोबाइल से उसकी लोकेशन लेकर है, और जैसे ही वो जंगल के पास पहुंचा तो उसके पीछे जो आदमी उनके रिश्तेदार और रिश्तेदार थे उनसे फ़ोन से बता के उसको लूट लिया। लूटने के बाद ये लोग भाग गए, उनको 5 गिरफ्तार कर लिया। 1.5 महीने से फरार चल रहे थे, उनको कल गिरफ्तार किया गया है और आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। मेन मास्टर माइंड जो है ये दोनों हैं, पति पत्नी, और उनको जेल भेजा जा रहा है। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।